फिल्म के लिए अंकित के शादी के ऑफर को ठुकरा देगी प्रियंका। खुद प्रियंका ने फिनाले में किया बड़ा खुलासा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 के ग्रैंड फिनाले में प्रियंका ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल फिनाले में भारती सिंह बतौर मेहमान गेस्ट बिग बॉस के घर में नजर आ रही थी और टास्क के बीच में वो प्रियंका से बात करते हुए नजर आई और प्रियंका से उन्होंने ढेर सारे सवाल किए और प्रियंका को उन्होंने ये कहा था कि सच्चाई से आपको जवाब देना होगा। भारती सिंह ने प्रियंका से ये सवाल किया कि अगर आपके पास अंकित शादी का ऑफर लेके आते हैं और उसी वक्त आपको एक बड़ी फिल्म उसके विकल्प में मिलती है जिसमें सलमान खान उनके साथ काम कर रहे हों, तो वो किसका चुनाव करेंगी और किसके प्रस्ताव को ठुकरा देंगी। तो प्रियंका ने साफ तौर पर कहा कि वो अंकित के साथ शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देंगी और फिल्म का चुनाव करेंगी। प्रियंका का ये जवाब सुनकर अंकित काफी निराश हुए, लेकिन अंकित ने शादी तो कभी भी हो सकती है। हालांकि भारती सिंह ने कहा कि फिल्म और शादी दोनों अभी नहीं हो रही है, लेकिन अगर प्रियंका के पास चुनाव का मौका हो और कोई एक चीज ही वो ले सकती है, तो ऐसे समय पर प्रियंका का जवाब यही था कि वो अंकित के साथ शादी का प्रस्ताव ठुकराकर पहले फिल्म करना चाहेंगी। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद प्रियंका अपने ही मुंह से बड़ा ऐलान करते हुए नजर आई हैं कि वो अंकित के शादी के प्रस्ताव को भी ठुकरा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारती सिंह ने प्रियंका को ये भी कहा कि वो एमसी स्टैन शिव और शालीन से कोई चीज अगर अंकित को सिखाना चाहें तो वो क्या होगा। तो प्रियंका ने जवाब में ये कहा कि वो एमसी स्टैन की एक चीज उन्हें अच्छी लगती है कि वो अपने प्यार को खुलकर स्वीकार करते हैं, वही चीज अंकित को वो सिखाना चाहेंगी कि वो अपने प्यार को खुलकर स्वीकार करे। हालांकि इस पर भी अंकित ये कहते हुए नजर आए कि प्यार दो लोगों के बीच की प्राइवेट बात होती है, ऐसे में इसे खुलकर इजहार करना है या नहीं करना है ये उन दोनों पर ही निर्भर करता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अंकित गुप्ता फिनाले वाले एपिसोड में जितना बोलते नजर आ रहे हैं, अगर वो पूरे सीजन में उतना बोले होते तो आज वो प्रियंका के साथ फाइनलिस्ट के तौर पर खड़े होते। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।